नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं मुदीरये। धर्मः स्वनुष्ठितः पुंसां विश्वक्सेन कथासुयः नोत्पाद्येद्यदि रतिं श्रम एव हि केवलम्। तो शौनकादि ऋषियों ने सूत जी से प्रार्थना की, कथा सुनाइए। श्री सूत जी को व्यास आसन पर बैठाया। अब सूत जी सबसे पहले ऋषियों के हृदय की भूमि तैयार कर रहे हैं कि कथा सुनने वाले का हृदय कैसा होना चाहिए, कैसा उसका मन हो, कैसे उसकी चित्त की स्थिति हो, कैसी उसकी भाव भावना हो। इसलिए बड़ी विनम्रता पूर्वक परंतु ऋषियों को सावधान करते हुए श्री सूत जी ने कहा, सवई पुंसां परो धर्मो यतो भक्ति रधोक्षजे अहैतुक्य प्रतिहता ययात्मा संप्रसीदति। उन्होंने कहा कि ये यज्ञ याग आदि सब अच्छा है, पर इसका फल क्या है? इसका फल यही है कि भगवान के चरणों में विशुद्ध भक्ति हो जाए। और फिर आगे ये भी कह रहे हैं कि यदि ये सब करने पर भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, नोत्पाद्येद् यदि रतिम, साधन अनेक हो सकते हैं, मार्ग अनेक हो सकते हैं, पर ध्यान रखना गंतव्य एक है, लक्ष्य एक है। मैं हूं, आप हूं, आज से पहले कोई हुआ या आगे कोई होगा, लक्ष्य एक है। जीव का विश्राम भगवान के चरण कमल है। और मैं तो कहता हूं साधन उसी को ही कहना चाहिए जो किसी ना किसी प्रकार से आपको प्रभु के निकट लेकर जा रहा हो। साधन के नाम पर भाई संसार में बहुत कुछ है, पोथी किताब में ही बहुत कुछ लिखा है, अनेक देवी देवताओं की उपासना करने वाला अगर ये सोचे कि मैं साधन कर रहा हूं तो वो भ्रम में है, तो है ना, वो साधन नहीं है। साधन उसको कहना चाहिए जो भगवान के निकट लेकर जा रहा हो, जिसका अनुष्ठान करते करते हम धीरे धीरे प्रभु के निकट पहुंच रहे हो। अन्यथा सेवक जी ने सावधान किया, अन्य देव देवी सकल और चलत पुंजी सी खोई। एक बात तो एक क्षण के लिए भी नहीं भूलना चाहिए कि ये जो आती जाती सांस है, यानी एक एक तव श्वास को तीन लोक नहीं दान, ये अमूल्य है। और कल जिस भाव पर हम चर्चा कर रहे थे कि हम विशेष हैं, प्रभु ने हमको विशेष अवसर देकर भेजा है विशेष वस्तु की प्राप्ति के लिए, और विशेष वस्तु क्या है? प्रेम विशेष वस्तु है, हित विशेष वस्तु है। जब तक आप अपना मूल्य नहीं लगाएंगे, जब तक आप अपना सही मूल्यांकन नहीं करेंगे, जब तक जीवन का मोल, जीवन का महत्व समझ में नहीं आएगा, तब तक ये यात्रा आरंभ नहीं हो सकती। ये जो संतों के शब्द हैं, ये बार 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 आपको चेता रहे हैं, आपको समझा रहे हैं, आपको जगा रहे हैं कि उठिए, जागिए। उपनिषद कहते हैं उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरान निबोधत, उठिए जागिए। और क्या कह रहे हैं? प्राप्य वरान निबोधत, श्रेष्ठ वस्तु प्राप्त करनी है, विशेष वस्तु प्राप्त करनी है। एक प्रयोजन और है सूत जी का, एक बात और सूत जी यहां कहना चाह रहे हैं। जब हम कोई काम करते हैं, यदि हम उसको किसी फल की इच्छा से कर रहे हैं, तो हमारी सारी निष्ठा, हमारी सारी भावना, हमारी सारी प्रीति वस्तुतः उस काम में नहीं है, बल्कि फल में है जिसके लिए हम वो साधन कर रहे हैं। सूत जी ने यहां ऋषियों को यह सावधान कर दिया कि भगवान की कथा को यज्ञ की तरह कोई साधन मत समझना कि कथा सुनने से कुछ मिलेगा, कथा ही फल है। ये जो भगवान की कथा श्रवण करने को मिल रही है, ये कथा ही फल है। कथा में प्रीति कब होगी? कहा नोत्पाद्येद् यदि रतिम,
यदि भगवान की कथा में प्रीति नहीं हुई तो कह रहे श्रम एव ही केवलम, फिर कहने वाले ने भी कोरा श्रम किया और सुनने वाले ने भी कोरा श्रम किया। अगर हम ये सोचकर सुने ना भाई सत्संग सुनने जा रहे हैं, कथा सुनने जा रहे हैं, इसके बदले कुछ मिलेगा, फिर कथा में प्रीति, कथा में अनुराग कभी नहीं होगा। जो किया उसी के फल स्वरूप ये मिला। कल भी अनेक अनेक साधकों की दीक्षा हुई तो मैंने सबसे पहली बात यही कही कि जो आज तक किया उसका सुफल ये मिला है, हमको श्री जी की शरण शरण प्राप्त हो गई। मैं तो कल भी रात को विचार कर रहा था कि देखो श्रीमद् भागवत सच में सागर है, सागर, अनेक 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 बहुमूल्य रत्न इसमें छिपे हैं। मैं महाराज जी से ही बात कर रहा था कि जितना जितना मैं चिंतन कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, उतना उतना भीतर का अंधकार भी दूर हो रहा है। और इस बात की प्रसन्नता, इस बात का हर्ष भी है कि देखो हम कितने कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमको परंपरा से ऐसी ज्ञान संपदा प्राप्त हुई है। मैं तो एक एक श्लोक के चिंतन से आगे बढ़ ही नहीं पा रहा हूं। गत पूरे सत्र में हमने एक अध्याय का चिंतन किया, अब की बार जब से सत्र आरंभ हुआ हम केवल दो श्लोक का चिंतन कर पाए, क्योंकि वस्तुतः एक एक श्लोक में सही कहा, पहले ही अध्याय में कह दिया सर्व वेदेतिहासानाम सारम सारम समुद्रितम, सब वेदों पुराणों का, सब शास्त्रों का सार भर कर धर दिया गया है श्रीमद् भागवत में। और इसकी रचना ही हुई है किस लिए, भाई आपके मेरे जैसे जो त्रिताप से तपे हुए जीव है ना, उनको प्रभु के चरणों की शीतल छाया मिल सके। इस ग्रंथ की रचना ही इसलिए हुई है, इस शास्त्र का निर्माण ही इसीलिए हुआ कि भाई संसार के ताप से तपा हुआ जीव जिसमें न साधन करने की सामर्थ्य होगी और न विचार करने की शक्ति होगी, वो जाएगा कहां। इसलिए भगवान कहते हैं मोते अधिक संत करी लेखा। इसके मूल में भी क्या है, श्रीमद् भागवत के प्रणयन के मूल में भी क्या है, संत की कृपा ही तो है। नारद जी ने ही तो कहा महर्षि वेदव्यास से, कह रहे कुछ भगवान की लीला गाओ, कुछ भगवान का यश गाओ, कलयुग के मनुष्य के पास कोई सामर्थ्य नहीं होगी, कलयुग सारी शक्ति हर लेगा, जलवायु अशुद्ध हो जाएगी, मनुष्य बड़ा ही अल्प सामर्थ्य हो जाएगा, शरीर की शक्ति भी धीरे 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 आप देखो घटती जा रही है। आज से 300-400 साल पहले 10-10 12-12 फुट के लोग होते थे हमारे यहां, इट वॉज एन एवरेज हाइट, इतने लोग होते थे, इतने सबल शक्तिशाली। आज देखो 100-200 साल के बाद और परिवर्तन आ जाएगा, तो धीरे धीरे हम देखें तो घट रहा है ना, सब क्षय हो रहा है, जो भी गुणकारी है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, उसका क्षय हो रहा है। और यही कलयुग का लक्षण है। पूर्व के अध्याय में ऋषियों ने यही तो कहा ना कि मन प्राणों की शरीर की शक्ति को हर लेने वाला ये घोर कलिकाल आ पहुंचा है, क्या करें, कहां जाएं, किसकी शरण लें, धर्म अब किसकी शरण में रहता है, माने धर्म है कहां, किसको धर्म कहना चाहिए। तो हमको ये विचार मन में रख के नहीं सुनना है कि भाई ये सुन रहे हैं इसके बदले कुछ मिलेगा, ना ना ये कथा ही फल है, क्योंकि जाने बिन नहीं हुई प्रतीति और बिनु परतीति होई नहीं प्रीति। यही बात यहां कही गई कि भाई सारा कहना सुनना, सारा सारा किया धरा केवल कोरा परिश्रम हो जाएगा यदि सुनते सुनते भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ। बोले वो सारे साधन परिश्रम हो जाएंगे। धर्म स्वनिष्ठित है पुंसाम विश्वक्सेन कथा सुयह। बोले ठीक ठीक प्रकार से धर्म का पालन करने पर भी, धर्म का अनुष्ठान करने पर भी अगर भगवान की कथा में प्रेम नहीं हुआ, माने भगवान के विषय में जिज्ञासा नहीं हुई, भगवान को जानने की इच्छा नहीं हुई, भगवान को पाने की इच्छा नहीं हुई, बोले वो सब किया धरा व्यर्थ गया। धर्म स्वनुष्ठित पुंसा विश्वक्सेन कथा सुयह नोत्पाद्ये यदिरतिम श्रम एव ही केवल। जैसे मेरे तुलसी बाबा कहते हैं ना, सोम से सील और प्रताप दिनेश से, सोम से सील प्रताप दिनेश से,
मघवा से महीप विषय सुख साने, और हरिचंद से राजा विधि से बड़े, और मघवा से महीप विषय सुख साने, शुक से मुनि सारद से वक्ता, चिरजीवी लोमसते अधिकाने। बोले एते भये तो कहा तुलसी, बोले ये सब बड़प्पन, ये सारी बड़ाई पाली, फिर एते भये तो कहा तुलसी, और ये सब करके भी क्या किया, जो पै राजीव लोचन राम न जाने। तो प्रभु का तब पता नहीं पाया, जिस कियो नहीं प्यार। तो एक छोटी सी ये बात है, एक छोटा सा ये विचार है, लेकिन इसमें बहुत कुछ भरा है और इसको हमको समझना है। पहले अपने जीवन का सही सही मूल्यांकन करें हम, कि भाई कैसी अमूल्य ये संपत्ति प्रभु ने दी है, विशेष वस्तु प्राप्त करनी है। ये विचार आपको व्यर्थ के प्रपंच से, ये आपको व्यर्थ के प्रयास से हटा लेगा, बचा लेगा। कितना व्यर्थ का प्रयास व्यक्ति संसार में करता है, सारी शक्ति तो व्यक्ति संसार में ही लगा देता है, व्यवहार में ही लगा देता है, बचता क्या है? भजन के लिए, धर्म के अनुष्ठान के लिए जो शक्ति, जो सामर्थ्य चाहिए, व्यक्ति के पास बचती नहीं, क्योंकि वो सारी शक्ति तो व्यवहार में खपा देता है। 24 घंटे ही तो है दिन में, उसमें खाना भी है, पीना भी है, सोना भी है, जो बचा हुआ समय है वो सारा व्यवहार में गंवा दिया। व्यवहार का फल क्या है? जो भी संसार में कर रहे हो उसका फल क्या है? सुख है और दुख है। आपको ये भ्रम है कि भाई हमारे किए हो रहा है, न करो, न करके देखो, तो भी अन्न मांगे आगे आवेगा, वो भी आ जाएगा। एक बार प्रभु का विश्वास करके तो देखिए। संपत्ति विपत्ति परे प्रतिपाले, और कृपा करे सो जीजे, प्रीति तो नंद नंदन सो कीजे। भाई आज आप और मैं यहां पर बैठकर उनकी बात नहीं कर रहे जिन्होंने संसार में बहुत कुछ किया, जिन्होंने संसार की बड़ी बड़ी संपत्तियां पाई, बड़ी बड़ी उपलब्धियां पाई, आज हम यहां बैठकर उनकी बात नहीं कर रहे, जिन्होंने छोड़कर संसार का व्यवहार का ये मार्ग और पकड़ी प्रभु की चरण शरण, हम तो उनकी बात करने के लिए यहां पर आए हैं। उन्हीं को संसार याद रख रहा है और उन्हीं के स्मरण से आपको मुझे सुख मिल रहा है। हाँ, पर ये आंख के आगे पड़ा हुआ जो पर्दा है, ये हटता कब है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन, नयन अमीय दृघ दोष विभंजन। कभी कभी आंख में एक जाला सा आ जाता है ना, धुंधला धुंधला सब दिखाई पड़ने लगता है। ऐसे जो अंतर्दृष्टि है वो भी धुंधली हो गई है। अरे एक अंजन है, बड़ा सिद्ध अंजन है, उसको अंतर चक्षु में आंजने से अंतर्दृष्टि स्वच्छ हो जाएगी, निर्मल वस्तु का दर्शन होने लगेगा। और वो क्या है? गुरु पद रज मृदु मंजुल अंजन। गुरु जैसा अनुभव, गुरु जैसा जीवन जीने से ही तो होगा। हम चाहें कि भाई संतों जैसा आनंद, संतों जैसी निर्भयता, संतों जैसी निश्चिंतता, संतों जैसी मस्ती हमको भी मिले, तो फिर संतों जैसा जीवन भी तो हमारा होना चाहिए। वो जिस मार्ग पर चले हैं उसी मार्ग पर हम भी तो चलें। अभी तो घोषणा कर दी मीराबाई सा ने, जी मार्ग सब संत गया छे, वी मार्ग में जा सके। भाई जिस मार्ग पर संत गए हमारा भी वही मार्ग है, और भगवान ने भी यही बात कही है। तभी तो कह रहा हूं, एक बार प्रभु पर विश्वास करके तो देखिए। सब लज्जा भगवान को। अरे भगवान कह रहे हैं गीता जी में, व्रत ले रहे हैं भगवान, भाई अनन्य भाव से जो हमारा चिंतन करता है, योग क्षेमम वहां में हम, जो उसको प्राप्त नहीं है वो मैं उसको प्राप्त करा देता हूं, और जो उसको प्राप्त है उसकी मैं सदा रक्षा करता हूं। तो
तो हमको इस भाव से कथा श्रवण करनी है कि कथा श्रवण करते करते बस कथा में ही अनुराग हो जाए, कथा में ही प्रेम हो जाए। और यदि ऐसा नहीं हुआ फिर कहना सुनना व्यर्थ गया। और कम से कम आप मैं जिनके जीवन में सत्संग आ गया है, हम तो समय व्यर्थ ना करें। मैं तो कहता हूं एक संकल्प आप जीवन में कर लीजिए, आपके जीवन में सुख शांति की वर्षा न होने लगे तो आप कहना, एक संकल्प आप कर लो भाई, समय व्यर्थ नहीं करेंगे। समय का आदर करिए, समय का आदर करना ही जीवन का आदर करना है। मैं बार बार आपसे कहता हूं एक एक कार्य करिए, समय व्यर्थ मत करिए। बहुत बहुत बड़े डॉक्टर से आप बड़ी महंगी दवाई ले आए, पर मैं बड़े डॉक्टर से महंगी दवाई ले आया, मैं बड़े डॉक्टर से महंगी दवाई ले आया, ये गीत गाने से तो रोग ठीक नहीं होगा ना भाई, उसके लिए तो दवाई खानी पड़ेगी, समय पर खानी पड़ेगी, डॉक्टर की सलाह माननी पड़ेगी। मैं संतों की बात आपको गाकर सुना दूं, आप संतों की बात सुन लें, और बड़ा अच्छा सुना, बड़ा अच्छा सुना, पर ऐसा करने से बात नहीं बनेगी ना। जब संत कह रहे हैं, रेमन सोया क्या करे, जाग जपो भगवान, एक एक तव श्वास का तीन लोक नई दान। सहजो बाई कहती है, कह रहे सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। सितार बजाने वाला, कोई भी वाद्य बजाने वाला जब वाद्य बजाता है ना, तो उसको संगीत का सृजन भी करना है, पर साथ साथ उसको साज की संभाल भी करनी होती है। अब ये लोग अपना यहां पर बैठकर जब सब ये वाद्य यंत्र बजाते हैं, अब कोई अगर फूल डालने लगे, पानी डालने लगे, तो फटाफट अपने वाद्य को छिपा लेते हैं, है ना, क्यों, क्योंकि वाद्य को भी तो संभालना है। कह रहे सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। क्या हुआ था, दो 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 चार क्षण कुंभन दास जी मानसिंह से मिल लेते, मानसिंह मिलके चला जाता, फिर अपने भजन में लग जाते, उनको तो भजन ही करना है। इतने असहज हो गए कुंभन दास जी, वो मानसिंह का आना उनके लिए इतना असह्य हो गया। और जाते जाते मानसिंह को कह दिया, उसने कहा कोई सेवा तो बताओ, बोले अब आज के बाद आना नहीं है, बस यही सेवा है, अब नहीं आना। अरे हमारा तार टूट गया, लाल जी आए थे ना जाने का कहते, बार 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 कुंभन दास जी कह रहे हैं, अरे ना जाने वो का कहते, जाने क्या कहने के लिए आए थे और तुम आ गए, बोले हमारा तार टूट गया। और मैं तो बड़ी विनम्रता पूर्वक आपको कह रहा हूं, भाई तार टूटता तो ऐसे है, जुड़ता बड़ी देर से है, पता नहीं कब संतों की गुरुजनों की कृपा होती है और प्रभु से तार जुड़ता है, जुड़ने में बड़ा समय लगता है, टूट तो यूं जाता है। तो सावधान सुमिरन करे, तार टूट नहीं जाए। हमको भी मिले संतों जैसी मस्ती, संतों जैसी निर्भयता, भाई संतों जैसा मार्ग भी तो हम चलें, उनकी बात भी तो कोई एक आध हमारे जीवन में आए। नहीं तो भाई मैं तो कह रहा हूं सब जी रहे हैं, मर रहे हैं और खप रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तुम कुछ भी नहीं करोगे तो भी मर ही जाओगे, सांस आती जाती रहेगी, जीवन का एक एक दिन बीतता रहेगा, कुछ भी मत करो तो भी व्यक्ति मर ही जाता है। और कभी मैंने आपसे कहा था जो मरा है वो फिर जिएगा, फिर जन्म लेगा, जो जन्म लेगा वो मरेगा, इसी का नाम संस्कृति है, इसी का नाम संसार है। और कान खोलकर सुन लेना कि इसी से मुक्त होने के लिए भगवान ने मनुष्य बनाकर भेजा है, इसी से मुक्त होने के लिए। हजार हजार लाख लाख बात की, लेकिन अगर भजन नहीं किया, अपने कल्याण के लिए आपने पुरुषार्थ नहीं किया, कोई मोल नहीं है भाई, कोई मोल नहीं है उस किए धरे का। उथे अमला दे होण गे नवेड़े, समझ मन मेरे भजन कर गोविंद दा, मन वे भजन कर गोविंद। और फिर आगे संत कह रहे हैं, भाई खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरिबो, पड़ भी गया भजन के मार्ग पर पैर तो कह रही है भाई चलना बड़ा कठिन है, खरोई कठिन है भजन ढिंग ढरी। ये
ये जो बात मैंने आपको अभी कही ना, ये एक संकल्प आप करिए, समय व्यर्थ नहीं करेंगे, क्योंकि इसका बड़ा भारी अप्रत्याशित लाभ मुझे अपने जीवन में मिला। इन इन संतों की वाणी का बल लेकर एक संकल्प किया था, भाई ठीक है नहीं होगा हमसे सतत भजन, कोई बात नहीं, पर संसार की व्यवहार की चर्चा नहीं करेंगे, चार लोगों के बीच में बैठकर यहां की वहां की बात ये नहीं करेंगे। और आप बिल्कुल ये ना समझना कि मैं कोई सिद्ध व्यक्ति हूं, मैं तो एक साधक के रूप में जो मेरे जीवन में घटा वो आपको बता रहा हूं। बड़ा अप्रत्याशित लाभ मिला मुझे इससे। भगवान केवल भाव ग्रहण करते हैं, केवल भाव, हमारी क्रिया हमारी चेष्टा थोड़ी हो तो भी अपूर्ण है, बहुत हो जाए वो तो भी अपूर्ण है। हम जो भी कर लें, हम थोड़ा करें वो तो भी अधूरा है, हम बहुत कर लें वो तो भी अधूरा है। भगवान उसकी ओर नहीं देखते, वो तो ये देखते हैं कि इसने चेष्टा की किस लिए है, इसको चाह किसकी है, ये प्रयास कर किस लिए रहा है। जब सच्ची वस्तु प्राप्त करने के लिए कोई प्रयास करता है तो भगवान बस उस प्रयास को देखते हैं, प्रयास में कोई क्या कर रहा है ये नहीं देखते, बस वो प्रयास देखा जाता है और प्रकृति उसका उत्तर देती है, तत्काल देती है, अवश्य देती है, अवश्य देती है। अभी अभी तो भाई आनंद का कण भी नहीं मिला, अभी तो आनंद का कण भी नहीं मिला, हो सके भाई इतना ध्यान रखना, सावधान सुमिरन करना, तार टूट नहीं जाए, जुड़ जाए गुरु कृपा से तार, फिर देखना फिर तीनों लोकों की संपत्ति भी उस पर न्योछावर की जाए तो कम है। तात स्वर्ग अपवर्ग सुख धरिए तुला एक अंग, तार जुड़ जाए तो। आगे श्री सूत जी ने कहा, धर्मस्य यापवर्गस्य नार्थोर्थायोपकल्पते नार्थस्य धर्मैकान्तस्य कामूलाभाय स्मृतः। उन्होंने ऋषियों से कहा, भाई धर्म का फल क्या है? धर्म का फल है मोक्ष। धर्म की सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है, धन के लिए धर्म नहीं किया जाना चाहिए। क्यों आज तक मांगते नहीं आए क्या भगवान से? आज तक भगवान से मांगते नहीं आए? आज भी मनोरथ वालों की भीड़ दिखाई नहीं पड़ती है क्या? किस लिए धर्म किया जा रहा है? संसार प्राप्त करने के लिए ही तो। यहां सूत जी ने पहली बात यही कही है, बोले ध्यान रखना, ये जो यज्ञ आगादि आप कर रहे हो ना, ये संसार के या स्वर्ग के सुख प्राप्त करने के लिए नहीं करना, धर्म का फल मोक्ष है। धर्म ते विरति, धर्म का फल संसार का सुख साधन सुविधा प्राप्त करना नहीं है, वो तो उससे उपरति हो जाना है। धर्म का फल है संसार से उपरति हो जाए। आज तक भगवान से मांगते ही नहीं रहे, मांगा ही तो। बड़ी देर बाद संतों की वाणी सुनकर ये बात समझ में आई कि भाई भगवान व्यापार करने के लिए नहीं, भगवान तो प्यार करने के लिए है। प्रभु से तो प्यार किया जाना चाहिए, व्यापार के लिए तो संसार पड़ा है भाई। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार। तो बोले धर्म अर्थ प्राप्ति के लिए नहीं है। और अर्थ का फल क्या है? जीवन में अर्थ भी चाहिए, पर अर्थ किस लिए चाहिए? बोले धर्म अर्थ के लिए नहीं है, अर्थ धर्म के लिए है, धन धर्म के लिए है। आपको भगवान ने साधन दिया है तो खूब सेवा करिए, खूब सेवा करिए, सेवा करते करते अपने मन में भाव रखिए, देन हार कोई और है जो भेजत दिन रहे, लोग भरम हम पर करें
दासों नीचे हैं। देखो जब हम कोई वस्तु लेते हैं तो ऐसे लेते हैं ना, अंजुली करके ऐसे ऐसे लेते हैं, और जब देते हैं तो यूं करके और यूं दी जाती है वस्तु। ये चेष्टा हमको कुछ बताती है, सिखाती है, जब लीजिए, जब अपने लिए लीजिए तो अपनी आवश्यकता से भी कम लीजिए, लेकिन जब दीजिए तो उदार हृदय से देना चाहिए, क्योंकि देह धरे का फल यह है, देह देह कछु देह, फिर उदार हृदय से दीजिए। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात यहां पर बताई श्री सूत जी ने कि धर्म का फल धन नहीं है, धन का फल धर्म है। अगर भगवान ने धन दिया है तो धर्म साधन करिए उससे, कोई धन होना बुरी बात नहीं है, पर होता क्या है ना भाई, धन अपने साथ कई अनर्थ लेकर आता है, अभिमान ले आता है, मद लेकर आता है, और सबसे बड़ी बात है कि धनी व्यक्ति प्राय करके मैंने यही देखा है, किसी पर भगवान की कृपा हो तो बात दूसरी है, पर फिर धनी व्यक्ति जो हो जाता है ना, वो दूसरे के दुख को दुख नहीं समझता, उसका हृदय कठोर हो जाता है, अभिमान हृदय को कठोर कर देता है ना, फिर व्यक्ति मदांध हो जाता है। धन के साथ तो अनेक अनर्थ आते हैं। अगर आप आपको ये चाहिए कि जीवन में धन भी हो और सुख भी हो, फिर धन को सेवा में लगाइए, धन को धर्म में लगाइए, तब जीवन में सुख आएगा, तब जीवन में सुख रहेगा। तो सूत जी कह रहे हैं कि धर्म का फल है मोक्ष, उसकी सार्थकता अर्थ प्राप्ति में नहीं है। और फिर अर्थ किस लिए है, बोले अर्थ केवल धर्म के लिए है। मैं परिचित हूं कुछ एक दो ऐसे परिवारों से जिन्होंने अपने जीवन में करके दिखाया, जिन्होंने वस्तुतः धन का सदुपयोग केवल धर्म साधन के लिए ही किया। नहीं तो जिसको आप संपत्ति समझ के तिजोरी में बंद किए बैठे हो ना, जिसको आप संपत्ति समझ के तिजोरी में बंद किए बैठे हो, चौकीदार बने बैठे हो उसके, वही आपके सिर पर मंडराती हुई विपत्ति है। डोंगरे जी महाराज कहते थे कि धन की आसक्ति में जो मर जाता है, कि सर्प की योनि में जाता है, सर्प की योनि में, घोर तमोगुणी योनि उसको मिलती है जो धन की आसक्ति में जाता है। और भाई ये वस्तु ऐसी है, आज तो अर्थ प्रधान युग है, ये वस्तु ऐसी है, इसलिए प्रयास करना भाई, थोड़ा थोड़ा हमारे हाथ से जितनी हम कर सके, ती हमारे हाथ से सेवा होती रहे, संत की सेवा भी होती रहे, भगवंत की सेवा भी होती रहे, प्रभु की सेवा भी होती रहे, और किसी किसी का सहयोग भी हम करें। ये जो बार बार मैं आपको सेवा की बात कहता हूं ना, जब तक हृदय उदार नहीं होगा तब तक वो आनंद आपके हृदय में आविर्भूत कैसे होगा, जब तक हृदय बड़ा नहीं होगा, विशाल नहीं होगा, भगवान आएंगे कैसे। प्रभु को अपने मन मंदिर में बिठाने के लिए तो बड़ा बड़ा उदार स्थान चाहिए ना। और कभी आपको मैंने उदार का अर्थ बताया था, ऊर्ध्वम शक्त्या आसमंतात रातीति उदारः, जो अपनी सामर्थ्य से अधिक दे दे वो उदार है। चीधराइन जी के तन पर एक वस्त्र मात्र है, वो देना वैसे सामर्थ्य नहीं है, वो वस्त्र भी दे देना वो सामर्थ्य से बाहर जाकर देना है। किसी भी काल में कबीर जी मांगने को तैयार नहीं है, याचना करने को तैयार नहीं है, पर कह रहे भाई संतों के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगेंगे। तुलसी बाबा भी कहते हैं, कह रहे परमार्थ के कारण है, मैंने मोहे ना आवे लाज, अगर परमार्थ के लिए मांगना पड़े तो भाई हम मांग लेंगे। ही वृंदावन की घटना मैं आपको सुनाता हूं। प्रातस्मरणीय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज यहाँ चातुर्मास के लिए विराजमान थे, और यहाँ वृंदावन की एक शायद पंचायती गौशाला, यहाँ पर गौ माता के लिए बिल्कुल चारे की व्यवस्था नहीं थी। तो कुछ लोग श्री स्वामी जी के पास में आए। अच्छा, स्वामी जी का अयाची रहने का नियम था, जीवन व्रत था उनका, कि भाई मांगेंगे नहीं किसी से। भाई मनुष्य है, बैठे बैठे विचार तो होता ही है, जब आज की स्थिति आज की दशा देखते हैं तो ये लगता है भाई कि अब तो भजन कर ही लें ताकि फिर से इस संसार में ना आना पड़े। क्या क्या देख रहे हैं अपनी आंख के आगे,
कैसे कैसे संतों का हमने हमने दर्शन किया, उनका जीवन हमने देखा, और आज देखो क्या देखने में आ रहा है। एक की बात होगी शायद, श्री स्वामी जी का एक बार हिसार आना हुआ था हमारे नगर में, और जो हिसार का सबसे बड़ा सेठ, हिसार का क्या, भारतवर्ष का एक बड़ा समृद्ध व्यक्ति, मैं नाम नहीं लूंगा, उसने प्रार्थना की स्वामी जी से मिलने की, और मुझे बहुत अच्छे से याद है 20 मिनट तक वो व्यक्ति द्वार पर खड़ा रहा हाथ जोड़े स्वामी जी का दर्शन करने के लिए, क्योंकि स्वामी जी अंदर किसी से मिल रहे थे, और अंदर जिससे मिल रहे थे वो व्यक्ति कौन था, व्यक्ति एक रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति था लेकिन साधक था, अपनी कोई जिज्ञासा लेकर स्वामी जी के पास आया था, और वो स्वामी जी तक पहुंचा कैसे, ये घटना भी बड़ी अद्भुत है कि जो आसपास सेवक आदि लोग थे उन्होंने स्वामी जी के निकट जाने नहीं दिया, क्योंकि स्वामी जी मौन में थे और उनका स्वास्थ्य भी अंतिम समय में बहुत खराब था, उनको कंठ का रोग था, बात वो अधिक कर नहीं पाते थे। जिस स्थान पर सत्संग का आयोजन किया गया था उस स्थान के बाहर एक शिव मंदिर था, मेरा मन भर रहा है उस घटना को याद करके, उस स्थान के बाहर एक शिव मंदिर था। उस साधक ने जब यह देखा कि मैं किसी भी प्रकार से स्वामी जी तक नहीं पहुंच रहा हूं, तो उसने वहां शिव मंदिर में जाकर और महादेव का अखंड अभिषेक करना आरंभ कर दिया। मंदिर के बाहर एक हैंडपंप लगा था, वो वहां से एक लोटा भर के लाता और महादेव को जल निवेदन करता, फिर लोटा भर के लाता, जल निवेदन करता। कहते कि शायद 3-4 घंटे से वो यही कर रहा था, तब स्वामी जी ने अपने सेवकों को आज्ञा दी कि बाहर एक अमुक व्यक्ति महादेव का जलाभिषेक कर रहा है, उसको हमारे पास में लेकर आओ। तब वो लोग उसको लेकर गए स्वामी जी के पास, और कहते 20 मिनट स्वामी जी ने उससे चर्चा की, वो साधक था, और सच्चे संत की दृष्टि, एक तत्वज्ञ महापुरुष की दृष्टि ऐसी पहचान रखती है, उन्हीं के पास ऐसी सामर्थ्य होती है। और 20 मिनट, और मैंने भाई मैं कान पकड़ के ये बात कह रहा हूं, बड़े बड़े तथा कथित वेशधारियों को मैंने उस सेठ के आंगन में नाचते भी देखा, लेकिन स्वामी जी ने 20 मिनट वो व्यक्ति द्वार पर खड़ा रहा, और मिले स्वामी जी कितनी देर, 30 सेकंड भी स्वामी जी उस व्यक्ति से नहीं मिले। उसने प्रणाम निवेदन किया, स्वामी जी ने मंगल कामना दी और कहा कि सेठ जी अब जाइए, हमारे सत्संग का समय हो रहा है, और 20 मिनट स्वामी जी उससे चर्चा करते रहे। ऐसा संतों का जीवन भी हमने देखा। तो अब तो लगता है भाई कोई बहुत अधिक रहने योग्य संसार रहेगा नहीं, कम से कम पहले जिस कार्य के लिए आए हैं वो कार्य तो अपना पूर्ण कर ले, फिर जैसी प्रभु की इच्छा हो। स्वामी जी का स्मरण करते करते मैं भूल गया मैं क्या कह रहा था, क्या बात कह रहा था मैं, हाँ स्वामी जी का नियम था कि भाई याचना नहीं करेंगे किसी से, संत का दर्शन ऐसे भी होता है, संत का दर्शन भाव में भी होता है, और दर्शन कीजिए साधु का और साहेब आवे याद। तो यहाँ के कुछ लोग आए स्वामी जी से प्रार्थना करने कि आप यहाँ पर विराजमान हैं, आप एक संकेत मात्र अगर कर देंगे तो गौ माता की व्यवस्था हो जाएगी। स्वामी जी थोड़ी दुविधा में पड़ गए कि भाई हम किसी से कहेंगे तो नहीं, ये तो हमारा नियम है, लेकिन गौ माता भूखी रहे ये बात भी ठीक नहीं है। स्वामी जी ने एक युक्ति निकाली और स्वामी जी ने गौशाला के लोगों से कहा कि कल प्रातःकाल हम गौ माता का पूजन करने गौशाला में आएंगे, ये जो जितने सेठ लोग आए हैं ना तुम इनको बस सूचना कर देना स्वामी जी सुबह गौशाला आएंगे। स्वामी जी ने तो जाकर केवल गौ माता का पूजन किया, वो जो सेठ लोग जो पीछे पीछे गए थे उन्होंने देखा कि भाई यहाँ तो कोई व्यवस्था ही नहीं है, स्वामी जी को किसी को कहना नहीं पड़ा और गौ माता की वर्ष भर की व्यवस्था हो गई। स्वामी जी ने मांगा नहीं लेकिन परमार्थ के लिए प्रयास अवश्य किया। तो अपने लिए तो भाई संत बिल्कुल कोई चेष्टा नहीं करेगा, लेकिन तुलसी बाबा कह रहे हैं परमारथ के कारण है मुहे न आवे लाज।
कबीर कह रहे हैं भाई ऐसे तो नहीं मांगेंगे, पर संतों के लिए मांगना पड़ेगा तो मांगेंगे, क्योंकि हो मांगू संतन रहना, इन संतों के चरण रेणू तो हमको मिले। तो जब हृदय उदार होगा तभी महामहिम का अनुभव संभव है। और उदार अर्थात जब अपनी सामर्थ्य से अधिक दिया जाए। प्रभु को आप कहते हो कि हम भगवान को मानते हैं, प्राय करके व्यवहार में यही बात कही सुनी जाती है ना, भगवान को मानते हो, हाँ भगवान को मानते हैं। जो भगवान को मानता है उसको भाई अपने लिए इकट्ठा करने की कोई आवश्यकता नहीं, वो वही करेगा जो भगवान के अस्तित्व को मानता ही नहीं है। ये काम वही व्यक्ति करेगा, अपने लिए संचय वही व्यक्ति करेगा। तभी तो कबीर कह रहे हैं साधु होए संचय करे, अरे हारे हरि सा थोक। मानते भी हो कि प्रभु हैं, कह रहे अरे अगर वो नहीं है फिर उसका जिक्र क्यों है, किसकी बात कर रहे हैं फिर आप और मैं, अगर वो है ही नहीं फिर उसका जिक्र क्यों है, और अगर वो है तो फिर बंदे तुझे फिक्र क्यों है। अरे आज भी है और सदा रहेगा हरि का ही बोल बाला, अपना हरि है हजार हाथ वाला। इसलिए आज चर्चा आरंभ की मैंने, भाई पहले पहले अपने जीवन का मूल्यांकन करिए, अपनी कीमत समझिए, पहले अपने जीवन की कीमत समझिए। जब तक इसका मोल नहीं लगाओगे तब तक पांव सही रास्ते नहीं पड़ेगा। और जो कुछ देर पहले मैंने आपसे कहा, मैं ये कहता रहा हूं अमुक संत ने ये कहा, अमुक संत ने ये कहा, आप भी सुनते रहो, हाँ हाँ जी कहा आपने, सुना बड़ा अच्छा कहा आपने, बड़ा अच्छा सुना ना भाई, इससे बात नहीं बनेगी। ये जो छोटा सा उदाहरण दिया ना मैंने आपको कि आप देश के सबसे बड़े सबसे प्रतिष्ठित सबसे योग्य डॉक्टर से औषधि ले आओ और वो भी आपको सबसे महंगी दवाई दे दे, लेकिन आप केवल हाथ में दवा लेकर यही गाते रहो भाई सबसे बड़े डॉक्टर से बढ़िया दवाई लेकर आए हैं, इससे तो रोग ठीक नहीं होगा ना। मेरा तो काम है भाई, मैं आपको हर रोज नई बात सुनाऊंगा, आप भी सुनते रहना, पर ये सब करके काम तो एक करना है ना भाई, अपने जीवन का मूल्य समझिए। और मैंने कहा एक संकल्प करिए कि भाई समय व्यर्थ नहीं जाने देंगे, अब रूठेगा संसार रूठ जाएगा, और संत कहते हैं आप रूठे तो हम छूटे। संसार का प्रेम जो है ना, तथा कथित संसार का प्रेम प्यार जो है, यही तो बहुत बड़ा बंधन है। संत तो प्रसन्न हो जाते बोले अब भजसू गोपाल, ध्यान रखना तार टूट नहीं जाए। ये बात मैं आपको बड़ी विनम्रता पूर्वक एक साधक की भांति कह रहा हूं, बड़ी कठिनाई से वो तार जुड़ता है, जुड़ जाए तो फिर प्राण की बाजी लगाकर उसकी रक्षा करना, तार टूट नहीं जाए, क्योंकि पत्ता टूटे डार सो बहर न लागे बार। बहती नदी की धारा में जो जल बह जाता है ना, फिर वो लौट कर नहीं आता है, वो लौट कर नहीं आता। इसलिए कुछ दिन पहले भी मैंने आपसे कहा था कि जिसके जीवन में व्यर्थ समय जा रहा है उसको अपने आप को साधक कहना ही नहीं चाहिए, उसको अपने आप को साधक नहीं कहना चाहिए जिसके जीवन में समय व्यर्थ जा रहा है। और चिंता नहीं है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपको नित्य निरंतर भजन ही करना है, ना मैं कह रहा हूं समय खराब नहीं करना है। भाई शबरी रोज मार्ग बुहारती हैं, और जिस दिन ये चर्चा आरंभ हुई थी मैंने आपसे कहा था सबसे पहले भगवान किस मार्ग से जाते हैं, कान से, ऐसा भगवान ही कह रहे हैं। मत पुण्य गाथा श्रवणाभिधान ही, भगवान ही कह रहे हैं ऐसा उद्धव जी से एकादश स्कंद में। तो भगवान कान के रास्ते भीतर जाएंगे, जिस मार्ग से श्री राम को आना है शबरी वो मार्ग नित्य बुहारती है, पंथ निहारू और डगर बुहारो। जब आप संसार की कूड़ा कचरा वार्ता सुनते हो तो वो कान का जो मार्ग है वो तो मैला हो जाता है ना। संसार की जो विषय वार्ता है जिसको महाप्रभु कह रहे नरक कोटि विभत्सया, वो जो विषय वार्ता है जब उसका आप श्रवण करते हो, मार्ग तो एक ही है ना, तो वो कान का जो मार्ग जिस मार्ग से भगवान जाएंगे वो मार्ग तो कूड़े कचरे से भर जाता है,
यही तैयारी है हमारी। हम प्रभु की प्रतीक्षा कर रहे हैं, हम कह रहे हैं भगवान मिले हमसे, सब छोड़ छाड़ कर यहां पर आकर बैठ गए हैं, ये तैयारी है हमारी। वो जो कान का मार्ग है, और ध्यान रखना मैं हूं आप हूं कोई भी हो, सबसे पहले भगवान कान के रास्ते हृदय में पहुंचते हैं। श्रवणम, श्रवण मंगलम, जो गोपी ने कहा ना श्रवण मंगलम, जीव का मंगल किससे होता है? जीव का मंगल तो प्रभु के मिलने से ही होता है, हरि के भजन से ही जीव का मंगल है। हरि की कथा ही कथा है, बाकी सब तो व्यथा है। तो ये तैयारी है हमारी, जिस मार्ग से प्रभु जाएंगे उस मार्ग को मैला कुचैला कर रहे हैं, उस मार्ग पर कूड़े कचरे का ढेर ला ला कर डाल रहे हैं, उस मार्ग को तो भाई नित्य बुहारना है, उस मार्ग को तो साफ स्वच्छ रखना है। और केवल मार्ग बुहारना ही नहीं है, सुंदर सुवासित जल से उसका सिंचन भी करना है। तो जो पहले सुना है, अरे उसी का संस्कार अभी मन में कितने विक्षेप उत्पन्न कर रहा है। आप भजन करने बैठो, पहले की कई सुनी बात विक्षेप बनती है कि नहीं बनती है? पहले जो सुना है उसी से इतना विक्षेप है। और एक और बात, जिसके जीवन में सत्संग नहीं है वो भूल कर रहा है, उसकी भूल क्षम्य है, लेकिन जिसके जीवन में प्रभु ने सत्संग प्रदान किया है वो यदि भूल कर रहा है उसको सावधान रहना चाहिए। दो दिन पहले मैं आपसे कह रहा था प्रभु ने यह अमूल्य उपहार हमको दिया, क्या उत्तर दे रहे हैं हम प्रभु को? अरे छोटी सी वस्तु भी कोई देता है तो हम धन्यवाद करते हैं, छोटी सी वस्तु भी कोई देना तो हम धन्यवाद करते हैं, शिष्टाचार है ये। और प्रभु ने तो विशेष अवसर देके और उसमें भी अपना विशेष कृपा प्रसाद दिया, संत विशोध मिलही परिते ही चित वही राम कृपा करी जी।